बड़ी खबर आपको दे दें जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट के अच्छे दिन आ सकते हैं। मोदी सरकार ने देशभर के डाकघरों को बैंकों का दर्जा देने का फैसला किया है। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से जाना जाएगा। देशभर में मार्च 2017 तक इन बैंक्स को ऑपरेशनल करने की उम्मीद है। पेमेंट बैंक पूर्ण विराम नहीं है, ये कॉमा है, फुल बैंक आगे आएगा। मोदी सरकार ने डाकघरों का चेहरा बदलने का अहम फैसला लिया है। पोस्ट ऑफिस में अब आप सिर्फ डाक टिकट या पोस्ट कार्ड की ही खरीदारी नहीं करेंगे बल्कि बैंकों की तरह पैसों का लेन देन भी कर सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में पोस्ट ऑफिस को बैंक का दर्जा देने के फैसले पर मोहर लगा दी गई है। ये बैंक मार्च 2017 से कामकाज शुरू करेगा। पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए 650 पेमेंट ब्रांच की स्थापना की जाएगी। वो बैंकिंग सेवा, इंश्योरेंस सेवा, ईएमआई कलेक्शन, मनरेगा, बिजली का बिल और कोई भी वित्तीय चीजें हैं, उसका हम पूरा सदुपयोग करें। डाकघरों को भुगतान बैंक का दर्जा देने की ये पहल साल 2015 में हुई थी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोस्टल डिपार्टमेंट और 11 दूसरे यूनिट्स को भुगतान बैंक का काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। सरकार के इस फैसले से पोस्टल डिपार्टमेंट को एक नई जिंदगी मिलेगी। देश भर में करीब 1,54,000 डाकघर हैं। इनमें से 25,560 विभागीय डाकघर हैं। अब तक देश के 22,000 डाकघर बैंकिंग से जुड़ चुके हैं। सभी डाकघरों के डाकियों को बैंकिंग सर्विसेज के लिए बकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। डाकियों को 1,30,000 हैंडहेल्ड मूविंग टेलर मशीन दिए जाएंगे। इसके अलावा डाकिया अपने स्मार्टफोन के जरिए भी लोगों को बैंकिंग सेवाएं दे सकेंगे। देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम। सिर्फ गंगा जल ही नहीं सप्लाई करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही लोगों को हम धनराशि भी देंगे, बैंकिंग देंगे, जिसमें 1,00,000 देना, 1,00,000 लेना। लेकिन थर्ड पार्टी जो इंटरेस्ट है, दुनिया में कोई भी कंपनी बैंक चाहे तो हमारी सेवाओं का उपयोग कर सकती है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक पोस्टल बैंक सेवा से देश विदेश के 50 संस्थाएं जुड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक, जर्मन बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल हैं। सुविधा भी बढ़ जाएगी क्योंकि नेटवर्क सबसे बड़ा है पोस्ट ऑफिस का, हर ग्रामीण क्षेत्र तक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे आम पब्लिक के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में भी फायदा मिलेगा। बैंकिंग अगर इतनी फैसिलिटी देते हैं तो फिर इससे फायदा होगा, तो अदरवाइज नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस में अगर ऐसा हो गया, बैंक जैसा अगर सिस्टम हो गया तो अच्छा है। कि अपनी खाता के लेन देन संबंधी या बचत संबंधी खाता की जमा खर्चा जो है गाँव से करेंगे, उनको काफी राहत महसूस होगी। डाकघरों को बैंकों का दर्जा और सुविधाएं देने के लिए 800 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। इसमें 400 करोड़ रुपए डाक विभाग लगाएगा। वैसे तो डाक विभाग में बचत और जमा की कई योजनाएं पहले से चल रही हैं, लेकिन अगले साल से डाक विभाग अपने ग्राहकों को सभी तरह की बैंकिंग सुविधाएं देगा, जिससे दूर दराज के इलाकों में रह रहे लोगों को काफी फायदा होगा। गाँव के महिला, छोटे बच्चा मतलब भी सुविधा होगी, गाँव में आकर अपन खाता खुला सकते हैं। 20-25 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ेगा और हम अपने हिसाब से समय, कार्यालयीन समय में जाके आराम से बिना भीड़ भाड़ के अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से होएगा काम, टाइम शॉर्ट हो जाएगा, ज़्यादा क्यूक में नहीं लगना पड़ेगा, बढ़िया फायदा ही रहेगा। और समय पर डाकघर की जो व्यवस्था है वो बढ़िया है, आगे बढ़िया रहेगी। सरकार की योजना ये भी है कि बैंकिंग कोर सर्विस शुरू होने के बाद सभी डाकघरों में ATM मशीन लगाई जाए। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।